बाकी सबके घरों में फॉल्ट हुआ और इतना मेजर फॉल्ट हुआ है कि एक चीज नहीं जबकि दो दो तीन तीन चीजें सबका ब्लास्ट हो चुका है उनका। रामनगर के ग्रामीण इलाके में विद्युत शॉर्ट सर्किट से कई ग्रामीणों के घरों में फुके विद्युत उपकरण, ग्रामीणों ने किया SDO का घेराव। आपको बता दें रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पीरुमदारा में स्थित मानसरोवर कॉलोनी में शुक्रवार की शाम ट्रांसफार्मर में हुए अचानक भीषण फॉल्ट के बाद कॉलोनी में स्थित कई घरों में विद्युत उपकरण फूक गए। इस घटना के बाद जहां एक और ग्रामीण काफी दहशत में आ गए तो वहीं कई घरों में विद्युत उपकरण से आग निकलने से ग्रामीण घबरा गए। इस घटना को लेकर शनिवार को इस कॉलोनी के कई ग्रामीणों ने रामनगर विद्युत कार्यालय पहुंचकर SDO DS निखुरपा का घेराव करते हुए इस समस्या का समाधान करने के साथ ही कॉलोनी की पूरी विद्युत लाइन की जांच करने की मांग की। साथ ही जिन जिन ग्रामीणों के विद्युत उपकरण फूके हैं उन्हें विभाग द्वारा मुआवजा देने की भी मांग की। वहीं मामले में SDO ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आ जाया है और इस संबंध में संबंधित JE को मौके पर जाकर लाइन की जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास रिपोर्ट। और साथ में आप सब लोग हम तो आपके पास आ सकते हैं, हम तो आपके पास आए, आप हमें सॉल्यूशन दीजिए, हम वही करेंगे। कुछ पता लगेगा अभी आप मानसरोवर कॉलोनी फेस वन हमारी कॉलोनी है और हमारी कॉलोनी के लगभग सभी घरों में एक आध मुश्किल से छोड़ा क्योंकि वो लोग घर में नहीं थे, बाकी सबके घरों में फॉल्ट हुआ और इतना मेजर फॉल्ट हुआ है कि एक चीज़ नहीं जबकि दो दो तीन तीन चीज़ें सबका ब्लास्ट हो चुका है उनका। हमारे मोटर इन्वर्टर से कनेक्टेड भी नहीं है और वहाँ बिजली भी नहीं थी उस टाइम पे, अपने आप मोटर स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है उसके बाद, और जब हमने लाइट आने के बाद चेक करी तो मोटर फूक गई थी। साथ साथ में हमारा पंखा भी उसी टाइम ब्लास्ट हो गया, होके बंद हो गई थी, खराब हो गया था उसी टाइम। आपने अधिकारी का घेराव किया कि? हाँ जी, हम मैंने और मेरी पूरी कॉलोनी वालों ने घेराव कराया और ये कंप्लेंट करी है यहाँ पे और उनसे मतलब रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराने की कोशिश कीजिए। आ गई थी लेकिन तब भी डर लग रहा है कि चिंगारी ना आ जाए, डर रहा है कि लाइट यूज कैसे करें आप। नहीं, इन्होंने अभी ये बताया कि कल शाम 3 बजे इनके यहाँ अचानक शॉर्ट सर्किट होने से कुछ लोग उपकरण फूक गए हैं, तो जिसकी सूचना भी अभी मुझे प्राप्त हुई है, मैंने संबंधित जेई को सूचना दे दी है कि वो चेक कर ले उसमें किस कारण हुआ क्या हुआ, जिससे कि भविष्य में ऐसी दिक्कतें न हो, अगर जो भी कमी हो उसको तुरंत ठीक कर दिया जाएगा। और यदि इनके कुछ उपकरण फूक गए ये लोग अपना डिटेल दे देंगे तो उसकी हम जांच करवा के उसमें जो भी निर्धारित नियमानुसार जो भी मुआवजा वगैरह अगर राशि मिलनी होगी तो उसको इनके बिलों में जोड़ दी जाए। सर कल शाम की घटना है लेकिन अभी तक जो है संबंधित जेई द्वारा सूचित नहीं कर रहा है मुख्यालय को, अब वो थोड़ा सा ये सोचने का विषय है कि मेरे तक कैसे नहीं आ पाए सूचना, ये तो इन लोगों ने बताया तभी है। चलो मैं इसमें अभी चेकअप जांच करवा लूँगा कि क्या इतना क्या कारण रहा इसका।